हम कर रहे हैं लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं और आगे भी। यूथ को प्रमोट करना है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में और वो हम अभी बहुत आगे निकल गए हैं। हम उनमें बहुत सारे भ्रम थे कि कुंडली मिलानी चाहिए, तो अब क्या गुरु जी की कृपा से और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ऊंचा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। नक्षत्र 27 आपको याद होगा, तकरीबन 5 सालों से लगातार 5वें साल में वो बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, चंडीगढ़ में कराते हैं, जिसमें ज्योतिष के बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े धुरंधर आते हैं। और ये कार्यक्रम कराता कौन है? जी हाँ, कैमरे पर आप देख रहे हैं शख्सियत, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बबीता अग्रवाल जी हैं, नक्षत्र 27 के ट्रस्टी में हैं, फाउंडर भी हैं। मैडम, बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपका है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैडम, 5 सालों से जो आपने सोचा था, एक सोच लेकर नक्षत्र 27 चला था, कहीं ना कहीं उसी को पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारी वो सोच बड़ी ऊंचाई तक जा रही है, मतलब जो सोचा था उससे भी बहुत आगे निकल गए हैं हम गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की कृपा से आप आगे निकले हैं। ज्योतिष को इससे क्या क्या फायदा मिला है वो जानना चाहूंगा। ज्योतिष को इससे फायदा मिला है ज्यादातर यूथ को, क्योंकि हमारी संस्था का मेन जो पर्पज है वो यूथ को प्रमोट करना है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में और वो हम कर रहे हैं लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कहीं ना कहीं पोथी पत्रों का ज्योतिष से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आपने इसको एक साइंस की तरह लिया है और इसको प्रचारित भी ऐसे ही किया है, घर घर तक प्रचार करने में कामयाब नक्षत्र 27 रहा है। जी 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 100%। मतलब हमने जैसे कि पंडित लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया हुआ है, मैं सभी पंडितों को नहीं कहती, मतलब कुछ पंडित ऐसे हैं जो थोड़ा पढ़ लिख कर पत्री लेकर बैठ जाते हैं और लोगों के मन में एक भ्रम पैदा किया हुआ है, एक डर पैदा किया हुआ है कि ऐसा होता है, इस दशा में ये होता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो हम साइंस पर आधारित है, नक्षत्र शुद्ध विज्ञान है और कैलकुलेशन पर आधारित है, डिग्री पर आधारित है। और जो नक्षत्र 27 जो भी करते हैं, जो जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे पैनल पे, जो भी वो कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली वो 100% सही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी कि नक्षत्र 27 ने कहीं ना कहीं जो एक डरावना चेहरा था ज्योतिष, उसको बदलने की कोशिश की है, विकृत जो चेहरा था उसको बदलने की कोशिश की है, खूबसूरत चेहरा ज्योतिष का वो बना दिया है। अब कहीं ना कहीं साइंस के तौर पर देखा जाता है, ये पढ़े लिखे लोग भी अब इसको मानने लगे हैं, बदलाव आया है समाज। हाँ जी, हाँ जी, समाज में बदलाव आया है। जैसे लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम थे कि कुंडली मिलानी चाहिए, तो अब क्या होता है कि कुंडली नहीं मिलने के बाद भी हम शादी करवा देते हैं, क्योंकि उसमें कई योग ऐसे होते हैं कि उसमें जो है वो मंगल का वेद हो रहा होता है, लेकिन जो पंडित लोग हैं वो डरा देते हैं कि शादी मत करो, और इस वजह से कहीं मतलब लोगों के हाथ से अच्छे रिश्ते भी मिस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। नक्षत्र 27 अब आगे और कहां तक जाने वाला है, क्या और लक्ष्य लेकर अब आगे बढ़ रहा है? लक्ष्य है कि ये बहुत ऊंचा जाए, चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा जाए, चंडीगढ़ में ही नॉर्थ इंडिया में ऊंचा जाए और फिर भारत में, भारत में और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये ऊंचा जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी नक्षत्र 27 के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। कंचन टीवी ने आपको दिखाया कि ज्योतिष के दुनिया में एक बड़ा नाम नक्षत्र 27 बनकर उभरा है और कहीं ना कहीं ज्योतिष को लेकर वो अच्छा काम कर रहा। और भी बहुत सारे यहाँ पर ज्योतिषी आए हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा, बस बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।